जय श्री कृष्ण प्रिय भाई बहनों, भक्ति का प्राकट्य भी बिहारी जी की कृपा से ही होता है। कभी कभी हमारे जीवन में प्रारब्धवश ऐसे उतार चढ़ाव आते हैं जो हमारे आत्मविश्वास और आस्था को तोड़कर रख देते हैं, परंतु ऐसी विपरीत परिस्थितियों में भी जो स्वयं को नकारात्मकता की ओर जाने से बचा लेता है और बिहारी जी में आस्था को प्रगाढ़ कर लेता है, अर्थात विश्वास को टूटने नहीं देता बल्कि विश्वास को और मजबूत बना लेता है, प्रभु भी उसकी सहायता करने में कभी भी अपने आप को पीछे नहीं छोड़ते। ऐसी ही एक सत्य घटना घटित हुई दिल्ली की रहने वाली रेणु शंकर जी के साथ। सन 2005 ईस्वी में आगरा में जन्मी रेणु जी की माँ अचानक हार्ट अटैक आने की वजह से चल बसी। माँ की प्यार भरी उन यादों को रेणु जी भुला भी ना पाई थी कि प्रारब्धवश मई 2013 को पिताजी भी साथ छोड़कर चले गए, जिसकी वजह से रेणु जी पूरी तरह से अंदर से टूट गईं। अगस्त 2013 में वह वृंदावन गईं। जब उन्होंने पहली बार वहां की बिहारी जी को देखा तो बस देखती ही रह गईं। उनके रूप सौंदर्य में जो आकर्षण है उसने उन पर ऐसा जादू किया कि वह पहली नजर में ही बिहारी जी को अपना दिल दे बैठी। जिनकी रचनाएं इतनी सुंदर और मनलुभावनी हैं, तो वह स्वयं कितने मनमोहक होंगे। उनके रूप सौंदर्य का वर्णन करना शब्दों से भी परे है। इसकी कल्पना भी एक सच्चा भक्त या जिसे साक्षात्कार हो चुका हो वही कर सकता है। इस दर्शन के बाद तो रेणु जी को हर पल अपने बिहारी जी की याद आने लगी। उनकी 3 बेटियां हैं पर पुत्र नहीं था। घर वालों की इच्छा थी कि एक बेटा भी हो। उन्होंने जब अपना परीक्षण कराया तो डॉक्टर्स ने रिपोर्ट दी कि उनकी ट्यूब बंद हो गई है और अब वह गर्भधारण नहीं कर सकती। सन 2014 ईस्वी के कार्तिक के महीने में वह अपने बिहारी जी के दर्शनार्थ वृंदावन गईं और वहीं से श्रद्धा भाव से एक तुलसी का पौधा ले आईं, जिसे उन्होंने अपने हाथों से अपने घर के आंगन में लगा लिया। बिहारी जी का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि उसी महीने में वह गर्भवती हो गईं और 6 जून 2015 को उन्होंने एक पुत्र को जन्म दिया। और जैसा कि उन्होंने पूर्ववत सोच रखा था कि यदि उन्हें पुत्र प्राप्ति होती है तो वह सब परिवार वृंदावन बांके बिहारी जी के दर्शन करने जाएंगी, और इस तरह वह अपने पूरे परिवार को साथ लेकर वृंदावन बांके बिहारी जी के मंदिर पहुंच गईं। जिस समय वह वहां के बिहारी जी के मंदिर पहुंची, उस समय आरती हो रही थी। जब आरती समाप्त हुई तो उनका परिवार तो सभी भक्तों के साथ वहां से चला गया, परंतु रेणु जी वहां के बिहारी जी को देखती ही रह गईं। उनका पुत्र उनकी गोद में ही था। उसी समय एक आदमी आया और बोला कि आप यहाँ क्या कर रही हैं? आपको तो ऊपर बिहारी जी के पास होना चाहिए था। वह उन्हें लेकर ऊपर चला जाता है और वहाँ वह उन्हें एक फूल भी देता है। वहाँ इत्र की खुशबू सर्वत्र बिखरी हुई थी। इधर जब वह अपने परिवार वालों को नहीं दिखी तो वह घबराकर उनकी खोज करने लगे। वह जब ऊपर से उतरकर नीचे आई, उसके पश्चात उनके पति वहां आ गए। जब उन्होंने उन्हें देखा तो वह नाराज होकर उन पर बिगड़ने लगे, परंतु जब उन्होंने यह बात बताई कि एक आदमी आकर के उनसे इस तरह कह रहा था और वह उन्हें ऊपर उस स्थान पर ले गया जहां हर कोई नहीं जा सकता, तो वह भी आश्चर्य में पड़ गए। रेणु जी ने अपना हाथ उठाकर अपने पति को इशारे के द्वारा उस आदमी को बताना चाहा कि वह आदमी मुझे ऊपर लेकर गया था, परंतु जब उन्होंने अपने हाथ के इशारे से उन्हें बताने की कोशिश की तब तक वह आदमी वहां से गायब हो चुका था और कोई समय भी ज्यादा नहीं हुआ था। उन्होंने चारों तरफ उसे देखा परंतु वह कहीं भी दिखाई नहीं दिया।
इतनी दूर जाने का भी कोई सवाल नहीं बनता, क्योंकि समय भी नहीं हुआ था। वह जो ही आए थे तुरंत ही उन्होंने इस घटना को उनसे बताया और उस आदमी के बारे में भी उन्होंने बताने की कोशिश की। बाद में उन्हें समझ में आया कि वह तो साक्षात बिहारी जी ही थे जो उन्हें अपने दर्शनों के लिए ऊपर लेकर आए थे। इस अनुभव के पश्चात रेणु जी हर समय अपने बिहारी जी को याद करती रहती हैं और रोती रहती हैं। घर वाले उन्हें पागल समझते हैं, कभी कभी उन्हें ताने भी मारते हैं, परंतु वह कहती हैं कि उन्हें बिहारी जी की बहुत याद आती है और हर समय उनका ध्यान वहीं अटका रहता है। वह गोपी भाव से अपने बिहारी जी की भक्ति करती हैं। प्रिय भाई बहनों, भक्ति चाहे जिस रूप में भी हो, हमारे हृदय में सच्चाई होनी चाहिए। भगवान हमसे कहीं दूर नहीं है, बिहारी जी हमसे दूर नहीं है, हमारे हृदय में ही निवास करते हैं। बस हमें वह भाव चाहिए, वह दृष्टि चाहिए जो उनको पहचान सके। मिलते हैं अगले किसी वीडियो में किसी नई सच्ची कहानी के साथ। यदि आपके पास भी अपना कोई ऐसा अनुभव है तो आप हमारे साथ शेयर कीजिए। हम उसे सभी भक्तों के साथ, सभी प्रिय भाई बहनों के साथ शेयर करेंगे। प्रभु स्मरण के साथ सच्चे हृदय से बोलिए, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।